साथियों नमस्कार, मैं आरिफ टेमरे आज पुनः आपके समक्ष गणित विषय के अंतर्गत द पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स अर्थात गणित का शिक्षा शास्त्र विषय लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम गणित की पेडागॉजी के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राथमिक स्तर हेतु निश्चित किए गए अधिगम क्षेत्र एवं उन अधिगम क्षेत्रों हेतु परिवेश आधारित सहायक शिक्षण सामग्रियां अर्थात जो प्राथमिक स्तर पर अधिगम क्षेत्र रखे गए हैं उन क्षेत्रों को पढ़ाने के लिए, उनको अध्यापित करने के लिए ऐसी कौन कौन सी परिवेश आधारित शिक्षण सामग्रियां हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए साथियों, हम देखते हैं अधिगम क्षेत्र और उनसे संबंधित सहायक शिक्षण सामग्रियां। साथियों, प्राथमिक स्तर पर जो सबसे पहला चैप्टर है या पहला अधिगम क्षेत्र है वह है संख्या पद्धति, और इसके अंतर्गत 1 करोड़ तक की संख्याएं रखी जाती हैं और उन संख्याओं के अंतर्गत जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग की संक्रियाएं करनी होती हैं। तो साथियों, हम नवागत विद्यार्थियों को संख्याओं का ज्ञान कैसे कराएं, इसके पश्चात हम क्रमशः कक्षा 2, 3, 4, 5 तक जो विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो साथियों, इसको समझाने के लिए हम जिन सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वे यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आता है कंकड़ पत्थर, फिर विभिन्न बीजों मतलब विभिन्न प्रकार के अनाजों के और फलों के बीज, इसी तरह अबाकस, माचिस की तिलियां, प्लास्टिक की स्ट्रॉस, पक्षियों के पंख, कंचे, कांच की गोलियां, मन के सीपी और शंख, चार्ट्स, चिन्हों को प्रदर्शित करने वाले कार्ड्स, अंक कार्ड्स और चित्र कार्ड्स। तो साथियों, इनकी सहायता से हम बच्चों को संख्या पद्धति अर्थात 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में हम जानकारी देते हैं। साथियों, जो नवागत बच्चे होते हैं कक्षा 1 में, उन्हें हम संख्याओं का ज्ञान कराते हैं, गिनने का अभ्यास कराते हैं, तो निश्चित तौर से हम कंकड़ पत्थर या बीजों या अबाकस की सहायता से बच्चों को धीरे धीरे संख्याओं को गिनने का अभ्यास कराते हैं और इन कार्ड्सों के माध्यम से उनका कार्ड दिखा करके बताते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। साथियों, इस तरह माचिस की तिलियों से हम बच्चों को संख्या गिनना, साथ में हम स्थानीय मान की अवधारणा भी उनको स्पष्ट करते हैं। फिर प्लास्टिक स्टार से भी वही बात, यदि हम प्लास्टिक स्टार जो होती हैं उन्हें 10-10 के बंडल बना करके हम दाहिका और 10-10 के बंडलों से एक सैकड़ा जो प्लास्टिक स्ट्रॉस रख ले तो वह सैकड़ा को दर्शाता, इसी तरह कहना चाहिए हम बच्चों को स्थानमान सारणी के बारे में बताते। इस तरह पक्षियों के पंखों, कंचे, मन को, सीपी के शंख, इनसे जोड़ना घटाने की प्रक्रियाएं की जाती हैं। साथियों, चिन्हों जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बराबर, छोटा है, बड़ा है, इनके चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए कार्ड्सों का निर्माण किया जाता है और कार्ड्स में के माध्यम से बताते हैं कि जोड़ने का चिन्ह है या घटाने का चिन्ह है या गुणा का चिन्ह है, भाग का चिन्ह, इस तरह से बच्चों को जानकारी दी जाती है। साथ में अंक कार्ड के माध्यम से और चित्र कार्ड के माध्यम से बच्चों को संख्या गिनना सिखाया जाता है। तो इस तरह साथियों, इनके माध्यम से, इन सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से हम संख्या पद्धति और उसके संबंधित संख्याओं के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। साथियों, ये संख्या पद्धति में इनका प्रयोग जो करते हैं, ये सब सामग्रियां जो हैं हमारे परिवेश में बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। कुछ चीज़ें तो हमारे घर में मिल सकती हैं, हम आसपास के परिवेश से इनको ढूंढ सकते हैं और इनको शाला में एकत्रित करके हम बच्चों को जो अवधारणा का है स्पष्टीकरण कर सकते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है साथियों, अधिगम क्षेत्र, वह है मापन। तो मापन है मापना, अंक आंकना, तो इसके अंतर्गत लंबाई का मापन, वजन का मापन और धारिता का मापन। साथियों, इस प्रकरण को समझाने के लिए हम अपने घरों में टूटे फूटे, जिनके हत्थे टूट गए ऐसे वाले कप या गिलास, कांच की बोतलें, प्लास्टिक के मग, पुरानी प्लेटों और रस्सी के माध्यम से हम तराजू का निर्माण कर सकते हैं, बाट ले सकते हैं, मीटर या फीता ले सकते हैं, स्केल है, बालिश है, कदम है, इनके माध्यम से हम मापन की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। साथियों, लंबाई के लिए हम काय का उपयोग करेंगे, लंबाई मापन के लिए मीटर, फीता या स्केल का प्रयोग करेंगे या बालिश या कदम का प्रयोग करेंगे साथियों को सिखाने के लिए। वजन के लिए
वजन के लिए हम मतलब बाट तराजू का निर्माण, पुरानी प्लेटों और रस्सी से हम तराजू का निर्माण कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के बाट बना करके या वास्तविक बाटों के माध्यम से हम भार का मापन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर क्या था, धारिता, धारिता मापन के लिए कांच की बोतलें हैं, टूटे फूटे कप है, गिलास है, प्लास्टिक के मग है, तो इनके माध्यम से हम धारिता के बारे में बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक गिलास पानी जो है, मान लो एक गिलास पानी की धारिता कितने कप है, ये बताने के लिए हम कप से पानी डालकर गिलास को पूर्ण करते हैं और बता सकते हैं कि इस गिलास की धारिता 2 कप है, 3 कप है या 4 कप है। तो इस तरह से हम कहना चाहिए मापन लंबाई, वजन और धारिता के बारे में इन सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। तीसरा अधिगम क्षेत्र साथियों, परिमाप, क्षेत्रफल, एकिक नियम, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज। साथियों इनको समझाने के लिए हम कार्डबोर्ड या गत्ते या कार्टून के बॉक्स, रस्सी, ग्राफ पेपर, पुराने व नए सिक्के तथा नोट, बोतलों के ढक्कन, कंचे, बीज इत्यादि का प्रयोग हम इनको समझाने करते हैं। साथियों जो परिमाप बताना है तो परिमाप के लिए भी किसी भी क्षेत्र में चीज का हमको परिमाप निकालना है तो हम उसमें रस्सी को रख करके उसके पूरे चारों ओर रस्सी रख करके हम पूरी लंबाई लेते हैं, फिर बाद में रस्सी को हम स्केल या मीटर से नाप करके हम बता सकते हैं कि इसका परिमाप इतना है। इसी तरह स्केल की सहायता से भी हम परिमाप बच्चों को बता सकते हैं। क्षेत्रफल की गणना ग्राफ पेपर के माध्यम से हम क्षेत्रफल की गणना करके बता सकते हैं बच्चों को। साथियों इसी तरह आगे देखिए एक एक नियम में बोलते हैं एक वस्तु से बहुत सारी वस्तुओं के मूल्य और बहुत सारी वस्तुओं के माध्यम से फिर एक वस्तु का मूल्य, तो इस पर पुराने नोट व सिक्कों के माध्यम से हम बच्चों को एक एक नियम से संबंधित बातें सिखा सकते हैं, औसत संबंधित बातें सिखा सकते हैं, प्रतिशत संबंधित बातें सिखा। इसी माध्यम से कंचे, बीज है, बोतलों के ढक्कन है, इनका प्रयोग हम एक एक नियम, औसत और प्रतिशत समझाने के लिए, लाभ हानि समझाने के लिए हम कर सकते हैं, रुपये पैसे का प्रयोग। तो मित्रों इस तरह से कहना चाहिए हम परिमाप, क्षेत्रफल और एक एक नियम से संबंधित जो अधिगम क्षेत्र है उनका इन सहायक शिक्षण सामग्री को माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरह तरह की सहायक शिक्षण सामग्री इनको समझाने के लिए हो सकती है। साथियों इनको समझाने के लिए हम कार्डबोर्ड ले सकते हैं, ड्राइंग शीट ले सकते हैं, उनकी कटिंग करके हम बच्चों को इनके बारे में परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। फिर आता है चौथा अधिगम क्षेत्र है भिन्न। तो भिन्न समझाने के लिए साथियों यहाँ पर सहायक शिक्षण सामग्री जो है वो है भिन्न शक्ति, कार्ड सेट, ट्यूबलाइट की राड, बीज, पक्षियों के पंख, पत्तियां, माचिस की खाली डिब्बिया, ये चीजें जो हैं हम भिन्न समझाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथियों जैसे भिन्न चक्ती है, एक गोलाकार चक्ती जो है, अगर हम उसको गोलाकार चक्ती को बना ले, इसके बाद में उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके प्रत्येक भाग को अलग अलग रंगों में विभाजित कर दे और हम प्रत्येक रंग का फिर हम भाग बता करके उसको भिन्न की अवधारणा बता सकते हैं। इस तरह कार्ड सीट्स के माध्यम से साथियों जैसे कि आपको मैं उदाहरण बताना चाहूंगा, भिन्न के उदाहरण बताने के लिए हम एक चक्ती लिया हमने और इसको जितने भी बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के बाद इसको इस तरह से हम प्रत्येक भाग को अलग अलग रंग से रंगा सकते हैं और फिर हम उनको रंग करके फिर बता सकते हैं कि अमुक रंग का क्या भाग है, कितना हिस्सा है, तो हम बता सकते हैं। मतलब भाई जैसे मान लो अभी हमें 3 भाग यहाँ पर नीला किया है तो यहाँ कुल भाग कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाग है, तो हम 3/9 भाग हमने रंगा है। तो इसी तरह हम अलग अलग तरीके से अलग अलग रंगों से इस चक्ती को रंगा करके बच्चों को बता सकते हैं कि कितना भाग रंगीन है, तो इस तरह भिन्न की अवधारणा स्पष्ट होगी। साथ ही इसी तरह से कार्ड शीट के माध्यम से यदि मान लो कार्ड शीट के एक टुकड़ा हमने लिए, इस तरह से उसको अलग अलग भाग में इस तरह बांट करके काट दिया और प्रत्येक भाग फिर बताया कि कितना है, ये 1/8 को दर्शाएगा। तो इस तरह साथियों हम मतलब कार्ड शीट के माध्यम से भिन्न की अवधारणा बता सकते हैं। इसी तरह ट्यूबलाइट की राड है, तो ट्यूबलाइट की राड किस प्रकार से भिन्न की अवधारणा स्पष्ट होगी इससे देख लीजिए। यहां पर ट्यूबलाइट की राड है, मान लो इसको हम अलग अलग भागों में बांट करके यहाँ पर अलग अलग रंगों में इसको डिवाइड कर दे, अलग अलग रंगों में रंग दे इसको और बता दे कि भैया इतना भाग जो है पूरी ट्यूबलाइट का कितना भाग कहलाएगा, तो इस तरह भिन्न की अवधारणा हम स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह साथियों
पक्षियों के पंखों, पत्तियों से, माचिस, खाली डिब्बियों से भी हम भिन्न की अवधारणा को कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर आगे देखते हैं साथियों, पांचवा क्रम जो है ज्यामिति आकृतियां, कोण, त्रिभुज, वृत्त, घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु। साथियों इनको हम समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, किन सहायक शिक्षण सामग्री को प्रयोग कर सकते हैं, यहां देखिए, साइकिल के स्पोक्स या तार, दीवार घड़ी, गत्ते या कार्डबोर्ड शीट्स, कार्डबोर्ड शीट्स, चूड़ी, सिक्के, साइकिल या टायर, साइकिल का टायर ट्यूब, कैरम की गोट, खाली कार्टून या अन्य बॉक्स, माचिस की खाली डिब्बियां, गेंद, बांस के सुडोल टुकड़े, बोतल, प्लास्टिक के गोल डिब्बे, मेहंदी कोन, टोपी इत्यादि। साथियों देखिए यहाँ पर ज्यामिति आकृति से हमको कोण समझाना, मान लो तो कोण समझाने के लिए हम क्या करेंगे, साइकिल की स्पोक लेंगे या तार लेंगे, उसको मोड़ करके हम बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे एक तार लिया मान लो, उसको मोड़ करके हमने ऐसा बता दिया ये कोण है, कोण की आकृति है, या इस तरह अलग अलग माप के हम कोण बना कर बता बच्चों को बता सकते हैं, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, इस तरह से जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह साथियों कोण की अवधारणा जो है हम दीवार घड़ी से भी स्पष्ट कर सकते हैं। दीवार घड़ी, मिनट काटा और घंटे काटे के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये समकोण है, या हम बता सकते हैं कि ये न्यून कोण है, इस तरह से मतलब कहना चाहिए हम घड़ी के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि कोण की, कोण क्या है और कोण के कौन कौन से प्रकार हैं। इस तरह साथियों त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज को समझाने के लिए हम साइकिल के स्पोक लेंगे और वाल ट्यूब लेंगे और उनको मतलब वाल ट्यूब के माध्यम से सभी कोनों को फंसा करके हम त्रिभुज का निर्माण करके हम बच्चों को उसकी अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह वृत्त की अवधारणा, चूड़ी है, कैरम की चूड़ी के माध्यम से, कैरम गोट के माध्यम से, और जो भी गोल सामग्री है जो हमारे परिवेश में आसानी से मिल सकती है उसके माध्यम से हम वृत्त की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। घन, घन पासों के माध्यम से, घनाभ, माचिस के डिब्बे हैं, खाली कार्डबोर्ड डिब्बे हैं, इनके माध्यम से घनाभ और घन की अवधारणा को हम स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह गोला, गोला के लिए फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या अन्य जो गेंदे हैं वो गोला, उसके बारे में समझा सकते हैं। बेलन, बेलन देखिए कि प्लास्टिक के गोल डिब्बे या बांस के सुडोल टुकड़े, इनको बेलन की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में शंकु, शंकु को बताने के लिए हम मेहंदी कोन या जो शंकुआकार टोपी आती उनका हम प्रयोग, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों आपने देखा कि ज्यामिति आकृतियों को समझाने के लिए हम इन सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों मुद्रा को समझाने के लिए, साथियों मुद्रा को समझाने के लिए नए पुराने सिक्के व नोट व विभिन्न देशों की मुद्राएं, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। साथियों मुद्रा अर्थात रुपया पैसा जो हमारे भारत में प्रचलन में है, और नए सिक्के या पुराने सिक्के, वर्तमान में जो चल रही है नोट हैं, वो पुराने नोट यदि संग्रह हो तो उनको हम मुद्रा की अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं उससे, और विभिन्न देशों की मुद्राएं या उनके कोई चित्र हैं उनके माध्यम से बच्चों को मुद्रा के बारे में उसकी अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं। सातवां बिंदु हमारा समय, साथियों समय को बताने के लिए दीवार घड़ी, टेबल घड़ी या हाथ घड़ी के माध्यम से हम समय के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। साथ ही कैलेंडर के माध्यम से, जो कि हमारे घरों में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकता है, कैलेंडर के माध्यम से हम दिन, सप्ताह, माह और वर्ष के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथियों आप लोगों को मैंने विभिन्न अधिगम क्षेत्र और उनको अध्यापित करने के लिए परिवेश आधारित विभिन्न सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में आपको जानकारी दी। साथियों मुझे आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। साथियों यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे आगामी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको उसकी सूचना प्राप्त हो। साथियों इस वीडियो को शेयर करें और लाइक अवश्य करें। साथियों मैं अगले क्रम में आपसे पुनः मिलूंगा, और अगले क्रम में जो हमारा जो विषय का क्षेत्र होगा वह होगा मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। साथियों इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।